The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. भारतीय जनता पार्टी लगातार सुव्यवस्थित सुसंगठित और पारदर्शी शासन प्रशासन की हिमायती रही है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में सरकार चलाते हुए इस बात को स्थापित किया कि इस देश की सरकार शासन को सुशासन में तब्दील करेगी और उसी का परिणाम निकला कि उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें जो नहीं कर पाई अटल जी की सरकार ने किया और उसी परंपरा को इस देश में हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्वहन किया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और उसी तरह मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सुशासन स्थापित किया है। इसीलिए हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं सिटीजन चार्टर को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन की जो अवधारणा मध्य प्रदेश में स्थापित हुई वो सुशासन के सबसे बड़ा उदाहरण है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त सीधे मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर सकता है और एक टाइम लिमिट में एक समय सीमा में उसका निराकरण होता है, उसको उस बात का जवाब दिया जाता है। इतनी जवाबदेही वाली सरकार, इतनी पारदर्शी सरकार शायद और इससे पहले देखने को नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सुशासन का पाठ हमें पढ़ाया और उस सुशासन को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का हक नहीं है कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में हमने देखा कुशासन का कीर्तिमान कमलनाथ जी ने स्थापित किए और उसी का परिणाम निकला कि मध्य प्रदेश की जनता शर्मसार हुई जब मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए कमलनाथ जी से जुड़े हुए उनके ओएसडी के यहाँ आयकर के छापे पड़े और उन आयकर के छापों में ये बात स्थापित हुई कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता का पैसा 10 जनपद सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर खर्च हुआ, वो कुशासन की पराकाष्ठा थी। सुशासन हम स्थापित करते हैं और कांग्रेस की सरकार में लगातार कुशासन ही रहा है। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ कि जो दिया बुझने वाला होता है वो और तेजी से जलने लगता है। ये कांग्रेस की छटपटाहट अब नगर सरकार से भी उनकी लुटिया डूबने की कहानी को प्रदर्शित कर रही है। देश में कांग्रेस खत्म हो गई, प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई और अब नगरों में भी कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के नेता केवल दलाली करने के लिए और अपने दावेदारी को नगर निगम के चुनाव में प्रदर्शित कर चंदा वसूलने के लिए इस तरह से अपनी एक्टिविटी को दिखा रहे हैं, अपनी सक्रियता को दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि हर एक कांग्रेस का वो नेता जो पार्षद के टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है वो चंदा वसूलता फिर रहा है और ये केवल और केवल उनकी भ्रष्टाचार की कहानी को ही दर्शाता है।